set. We're set. We're set. Do it already. Why don't you check the batteries? तो हेलो वेलकम बैक गाइस, ब्रांड न्यू वीडियो सिनेमा विद आकाश के साथ। तो भाई आज मैं कुछ ऐसी मूवीज लाया हूँ हॉलीवुड की जिनको देखने के बाद आपका दिमाग भी कहेगा क्या बात है। तो यार सारी की सारी मूवीज हिंदी में अवेलेबल है और मैं इनका लिंक नहीं देने वाला, जाके ढूंढ के देख लो यार, एक से बढ़िया एक है और नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम पे तो इजीली मिल जाएंगे आपको। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना है। तो चलो और अभी बढ़ते हैं मूवीज़ की तरफ। नंबर पाँच, तो भाई नंबर पाँच पे अपने पास है ओशंस 11। तो भाई ये एक सन 2001 में आई हुई क्राइम कॉमेडी मूवी है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरी लाइन है, तो मज़ा आता है मूवी देखने में, कॉमेडी भी भर भर के। हिंदी में अवेलेबल है। तो इसके IMDb की बात करें तो IMDb पे इस मूवी को मिले 7.7 out of 10 और गूगल यूजर्स ने 88% लाइक दिया इस मूवी को। फिर बात कर लेते हैं कास्ट एंड क्रू के बारे में, यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दिया, पॉज करके देख लेना यार। फिर बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में, स्टोरी के अंदर अपने को एक डैनी ओशन नाम का बंदा दिखाया गया है। वो 11 लोगों की एक टीम जमा कर रहा होता है क्योंकि वो लास वेगास की जो भी पॉपुलर 3 कैसिनोस है वो लूटना चाहता है अपने राइवल के कैसिनोज। तो भाई मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना तो बनता है यार, जाके देख लेना, मज़ा आता है मूवी देखने में। और कॉमेडी सीन्स तो ऐसे है भाई, मज़ेदार एकदम, फुल मिक्स, अब क्या ही बोलूँ मैं। तो अभी बात कर लेते हैं अपने अगली मूवी की तरफ, अभी बात कर लेते हैं अपने नंबर 4 मूवी के बारे में। तो इसका नाम है District 9। ये आई थी सन 2009 में, एक साईफाई सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी लाइन है, मज़ा आता है मूवी देखने में। हिंदी में अवेलेबल है भाई, इससे बेहतरीन मूवी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तो अभी बात कर लेते हैं IMDb के बारे में, 7.9 out of 10 IMDb है और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दिया 90% लाइक। अभी बात करते हैं मूवी के कास्ट एंड क्रू के बारे में, यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दिया है, पॉज करके देख लेना यार। तो भाई मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पृथ्वी पे कुछ एलियंस मजबूरी की वजह से रहने आ जाते हैं भाई, और ऊपर से गवर्नमेंट का सिर्फ एक एजेंट उनकी तरफ हो जाता है और एक ही एजेंट का समर्थन मिलता है। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, जाके देख लेना, मज़ा आता है, एकदम मज़ेदार मूवी है। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले मूवी की तरफ, तो यार अभी बात कर लेते हैं अपने नंबर 3 मूवी के बारे में। इसका नाम है बेबी ड्राइवर। यह आई थी सन 2017 में, एक सस्पेंस एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी लाइन है, आखिरी तक पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है मूवी में। तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, जाके देख लेना। अभी बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb के बारे में, 7.6 out of 10 IMDb है मूवी के और गूगल यूजर्स ने 91% लाइक दिए हैं। अभी बात कर लेते हैं मूवी की कास्ट एंड क्रू के बारे में, स्क्रीन पे डाल दिया, पॉज करके देख लेना यार। तो स्टोरी बता दूँ ना, तो स्टोरी लाइन में एक बेबी ड्रम का ड्राइवर होता है, उसको एक हाइस्ट में इन्वॉल्व करने के लिए एक डॉक्टर बहुत ज़्यादा ही फोर्स करता है, पर ना वो अपनी उसकी गर्लफ्रेंड को ये चोट पहुँचा सकता है, ये बोल बोल के उसको वो हाइस्ट में इन्वॉल्व कर लेता है। पर बाद में पता चलता है वो इसके वेपन डीलर जो है अंडरकवर एजेंट्स है। तो मूवी कैसे जाएगी आप जाके देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। अभी बात कर लेते हैं अगले मूवी की तरफ, तो यार अभी बात कर लेते हैं अपने नंबर 2 मूवी के बारे में। तो इसका नाम है नो कंट्री फॉर अ ओल्ड मैन। ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, आई थी सन 2007 में, क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, मज़ा आता है देखने में। अगर आपको चूहे बिल्ली का गेम देखने में मज़ा आता है तो ये मूवी मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगा, ये बहुत ज़्यादा ही मस्त मूवी है। अभी इसके IMDb की बात करें तो 8.1 out of 10 IMDb है और गूगल यूजर्स ने इसको 90% लाइक दिए। अभी बात कर लेते हैं मूवी के कास्टिंग क्रू के बारे में, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर डाल दिया, पॉज करके देख लेना यार। अभी बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, एक हंटर रहता है, उसको बस ऐसे ही टहलते टहलते ड्रग डीलर से $2 million मिल जाते हैं, पर ट्रेजेडी तब हो जाती है, उसके पीछे एक साइको किलर पड़ जाता है, उसको उसके पैसे चाहिए होते हैं। अभी वो कैसे मोड़ लेती है मूवी, आप मूवी को पूरा एंड तक देखना, मज़ा आता है। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले मूवी के बारे में, अभी बात कर लेते हैं अपने नंबर 1 मूवी के बारे में। इसका नाम है Taken 3। यह आई थी सन 2014 में, एक सस्पेंस मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर मूवी है, मज़ा आता है देखने में। तो भाई आपको अगर फाइटिंग्स मूवी देखनी है तो ये मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा, जाके देख लेना, और स्पाई टाइप भी है, वन टाइप ऑफ स्पाई टाइप है, तो जाके देख लेना, मज़ा आता है। अभी बात कर लेते हैं भाई इसकी मूवी क्या है, अभी बात कर लेते हैं मूवी के IMDb के बारे में। 6 out of 10 IMDb पे मिले हैं इसको रेटिंग और गूगल यूजर्स ने 84% लाइक दिए हैं। कास्ट एंड क्रू की बात कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दिया, पॉज करके देख लेना यार। तो स्टोरी लाइन तो बहुत अच्छी है, मैं थोड़ा सा भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता क्योंकि थोड़ी सी भी बताऊंगा स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएगी इस मूवी की। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था यार, वीडियो पसंद आया वो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अगर हॉलीवुड की मूवीज़ और भी चाहिए तो कमेंट करके बता देना।